तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन, अनदर वीडियो, अनदर ड्रैग। तो गाइस, हमारे पास तीन बाइकें खड़ी हुई हैं, तीनों फेयर्ड बाइकें। एक है अपाचे RR 310, इधर साइड खड़ी हुई कावासाकी की तरफ से निंजा 300, इधर खड़ी हुई निंजा 400। 500 की कमी थी, लड़का नहीं आया, अगली बार 500 के भी साथ बना देंगे। बाकी तीनों बाइकें ये सिंगल सिलेंडर है, बाकी दोनों बाइकें डुअल सिलेंडर हैं। अगर इसकी पावर की बात करते 34 BHP है, और इसकी 38 BHP है, और सबसे ज़्यादा BHP है इसकी 45 BHP और 36 Nm टॉर्क है। तो गाइस, बाकी प्राइस आप लोगों को पता होगा, यहाँ देख लीजिए 3,77,000 रुपये देने के बाद प्रोजेक्टर लैम्प मिलते हैं, इधर भी हाइलोजन बल्ब भी मिलता है, और इधर LED दे दी गई। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रैग को, ड्रैग भगाते बाइक को, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, चलिए भैया। तो बाकी गाइस, तीनों की भी परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं, ड्रैग करेंगे बिल्कुल तबाही तरीके से, देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर प्राइस की बात करते हैं तो निंजा लगभग 420 इसके आसपास आती है, और ये 6 लाख के आसपास आती है, 6,14,000 रुपये के आसपास आती निंजा 4, और अपाचे RDR आती है 3,77,000 रुपये के आसपास। तो चलिए देखते हैं कि प्राइस में डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है। तो चलिए लेट्स सी। मैं चला रहा हूँ निंजा 300, भैया चला रहे निंजा 400, आयुष भाई चला रहे हैं RTR 310। देखिए बढ़िया डिजिटल मीटर, यहाँ एनालॉग प्लस डिजिटल, वही ब्लैक एंड वाइट, और निंजा 500 का भी आप लोग देखिए, निंजा 400 का भी आप लोग देख लीजिए, एनालॉग फिर डिजिटल, बगल में बड़ी सी TFT दे रखी, बड़ी सी ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले। निंजा 300 को पीछे कर दिया तुम्हारे भाई के प्रोफेशनल लॉन्च ने, हैक कर गई गाड़ी, हल्का सा पावर, गियर शिफ्टिंग यार। What the fuck man, what the fuck, कोई नहीं है टक्कर में, 400 तो उड़ गई भाई, 300 भी आएगी, अभी आ रही होगी, आ गई भैया। ये देखो निंजा 300, निंजा 300 ने व्हीली बार पहले से लगा दिया है। भैया भैया ने मौका देके गलत कर दिया है, बस यही समझ ले भैया। निंजा 300 लेके अब थोड़ा गेयर डाउन करते हैं, चलो आज रौला काटते हैं गाइस। BMW वाली ज़्यादा जाती है थोड़ा यार, वो 170 पहुंच जाती है, ये नहीं पहुंचती। अब निंजा 400 निकलेगी बगल से फ्लाई बाय देते हुए रॉकेट की तरह, ये देखो बहुत तेज नहीं निकली, लेकिन निकली तब भी मतलब भर की 166। फुल पोटेंशियल पे भगा रहा हूँ निंजा 300 को, तभी निंजा
इसको पूरा खींच डाला, मुझे लगा अब नहीं निकल पाएंगे, फिर पीछे शीशे में देखा आ रहा है बगली में। एक बार मैं लॉन्च करूंगा, लाइए लीजिए। पर 186 गई भैया। ये बताओ वीडियो बार क्या लगवाया उसने? ये मेरी थोड़े लगाता है भाई। अच्छा हाँ, लग के आता है। अबे भाई निंजा 300 चला के आ रहा है, ऐसा लग रहा है वाइब्रेशन है इसमें बहुत। चलिए गाइस, तो भाई भाई साहब, इंजन 400 तो रॉकेट हो गई है, पावर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है 38 से 45। लेकिन यार इतना बड़ा गैप मैंने नहीं सोचा था, बहुत ज़्यादा गैप दे रही है 400। निंजा 400 के लिए अपनी अप्रीला ही काफ़ी है, अप्रीला आएगी वही हराएगी इसको, और कोई सेगमेंट में है नहीं, अप्रीला ही सेगमेंट किलर है इस टाइम। ₹181 पे मैक्स आउट हो गई है। तीन ऐसी बाइक से कंपेयर किया जाए तो गाइस भैया कोई भी चलाए, जब पावर ज़्यादा होती है तो स्किल्स मैटर नहीं करते हैं। तो भाई चाहे आयुष भाई निंजा 300 चलाए, चाहे मैं चलाऊं, चाहे भैया चलाए, भाई तीनों में एक ही रिजल्ट आना है, निंजा 400 आगे रहेगी और सबसे पीछे RDR रहनी थी, आपको पता ही है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि निंजा 400 के बराबर आ सकती थी निंजा 300, बट ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी पीछे रही निंजा 300, मतलब काफ़ी पीछे नहीं, थोड़ा बहुत तो डिस्टेंस था। बाकी प्राइस रेट भी देख लीजिए, 2 लाख रुपए के आसपास दोनों बाइकों में डिफरेंस है, तो 2 लाख रुपए का डिफरेंस रोड पे दिख रहा था। और बाकी अगर बात करी जाए अपाचे और उसकी निंजा 400 की, तो भाई 2 लाख 3-4 लाख का डिफरेंस दिख नहीं रहा था, 3 लाख का डिफरेंस दिख नहीं रहा था रोड पर। बाकी इसमें वाइब्रेशंस बहुत हैं यार, अपाचे RDR में रिफाइनमेंट महसूस ही नहीं हुई बिल्कुल, जो रिफाइनमेंट होनी चाहिए ना, मतलब थ्रॉटल खींचे रहा तो रिफाइनमेंट, मतलब वाइब्रेशन से मेरे हाथ दर्द होने लगे। और वो चीज़ निंजा 300, निंजा 400 और निंजा 500 में तो भाई है ही नहीं, क्या रिफाइनमेंट है यार। R3 तक उतनी रिफाइनमेंट नहीं है जितनी निंजा 500 में भाई। गाइस तो बाकी भाई निंजा 400 फर्स्ट, निंजा 300 सेकेंड, अपाचे RTR 310 है भैया 168। हाँ since 1982 से रेसिंग कर रहा है, देखो रेसिंग since 1982 अभी इंजन नहीं बना पाया, अभी लखनऊ पहुंचा रिफाइनमेंट भी नहीं है यार भैया भाई वही तो अभी तक इंजन ही नहीं बना सीख, मतलब मैं
खींचा रहा, थ्रॉटल लेता रहा तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। हाँ, इसमें नहीं यार, रिफाइनमेंट के मामले में तो भाई कावासाकी अलग है। तो बस हाँ, ये है हाइलोजन बल्ब है 4.5 लाख के बाद भी। चले भैया क्या करना, अब लग नहीं सकता, बाहर से नहीं, अब तक लगवा लिए होते। तो बाकी गई, तो बाकी गाइस कैसी लगी आपको ड्रैग रेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।